जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो मैंने दो वीडियो अपलोड किए हैं खान सर के ऊपर, उनको एक्सपोज करते हुए मैंने बोला है कि मैं फैक्ट के साथ एक्सपोज किया हूँ। तो मैं रिप्लाई करने वाला हूँ उन लोगों को या फिर उन भाई लोगों को जो मेरे को कमेंट में हेट कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, तो उनको मैं रिप्लाई देने वाला हूँ। और खान सर ने एक नया वीडियो भी अपलोड किया है जो उनको एक्सपोज कर रहे हैं, जो उनके बारे में ट्रेंड चलवा रहे हैं ट्विटर पर, रिपोर्ट ऑन खान सर, उनके बारे में उनको रिप्लाई किया है ना खान सर ने, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा पॉइंट टू पॉइंट। तो खान सर ने पहला तो उस वीडियो के अंदर रिप्लाई किया है कि मेरा नाम खान सर है या फिर अमित सिंह। मैं आपको बताता हूँ कि उनको खान सर या फिर अमित सिंह क्यों डिफाइन कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग जान सके ये हिंदू है या फिर मुस्लिम है, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि ये मुस्लिम को पंचर साटने वाला बोल रहे हैं। आखिर उन्होंने बोल ही दिया कि मैं मुस्लिम को पंचर साटने वाला नहीं बोल रहा हूँ, मतलब पाकिस्तानियों को बोल रहा हूँ। तो लोग हैं वो यह समझ रहे हैं कि मुस्लिम को वो पंचर वाला बोल रहे हैं, तो वो हिंदू है या फिर मुस्लिम है। तो लोगों ने टाइटल लिखना शुरू कर दिया, यूट्यूबरों ने टाइटल लिखना शुरू कर दिया कि नाम चेंज करके मुस्लिमों को बदनाम कर रहा है। लोगों का समझना यही था कि वो हिंदू या फिर मुस्लिम है, नाम से उनको कोई मतलब नहीं है। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने शुरू में क्या बोला, पहले तो आप सुनिए। फिर बात करने वाले हैं खान सर के बारे में, खान सर बोलूं या फिर अमित सिंह बोलूं, चलो बात तो एक ही निकल के आती है। चलो आज हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने सुना, मैंने यही बोला कि नाम से कुछ नहीं लेना देना है, चाहे अमित सिंह हो चाहे खान सर हो, वीडियो को शुरू करते हैं, ऐसा मैंने बोला था। तो लोग हैं वो हिंदू मुस्लिम जानना चाहते थे, इसलिए नाम पर आवाज़ उठा रहे थे। बाकी तो नाम कुछ भी होना, नाम से क्या लेना देना है, बस नाम वाला पॉइंट खत्म हुआ। अब खान सर वो बार बार बोल रहे हैं लोग अपना चैनल चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब मैं आपको दोस्तों उत्तर देता हूँ, सब है वो YouTube पर अपना चैनल चमकाने के लिए आए हैं। तो मेरा एक्सपोज करने का चैनल है या फिर और भाई लोगों का एक्सपोज करने का चैनल है, मतलब एक्सपोज करते हैं किसी की रियलिटी बताते हैं, तो वो क्या चैनल चमकाने के लिए करते हैं? यस, बिल्कुल आपने सही सुना, चैनल चमकाने के लिए करते हैं। खान सर पढ़ाई करवाते हैं, चैनल चमकाने के लिए नहीं करवाते, पैसे कमाने के लिए नहीं करते हैं। तो ये पॉइंट तो खान सर को नहीं बोलना चाहिए मेरे हिसाब से कि चैनल चमकाने के लिए कर रहे हैं। सब चैनल चमकाने के लिए YouTube पर आए हैं। कुछ का एक्सपोज करने का काम होता है, कुछ का स्टडी करवाने का काम होता है, कुछ है वो रोस्टर बनते हैं, तो वो रोस्टर बनते हैं, किसी को रोस्ट करते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि वो उनको डिफेम कर रहे हैं, उनको गलत बोल रहे हैं, उनका धंधा है वो बंद करवाना चाहते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। तो यह पॉइंट भी क्लियर हुआ कि सब चैनल चमकाने के लिए YouTube पर आए हैं। वीडियो पे हुआ जो 24 अप्रैल को था, इससे आप साफ समझ सकते हैं कि जो अप्रैल का वीडियो है उसके मई के लास्ट में विवाद नहीं होना, यानी लोग कुछ और दिखा रहे हैं और मैटर कुछ और है। पाकिस्तान के तहरीके लबैक पार्टी के बारे में हमने बोला था कि ये सब पंचर छाप है सर, हमने किसी पूरे पाकिस्तान को नहीं बोला, ना ही किसी मुसलमान का नाम लिया। बस आप उन वीडियो वालों को कहिए कि उसने बोला ना कि मुसलमान नाम लिया, हमने तहरीके लबैक पार्टी को बोला, क्योंकि ये लोग फ्रांस के राजदूत को बाहर निकाल रहे थे, खुद पाकिस्तान की पुलिस ने जेल कर दिया, खुद पाकिस्तान ने जेल किया, उनके समर्थन में लोग हमको कह रहे हैं यहां पर। हम इस बचवा को बोले थे कि तोरा तहरीके लबैक पार्टी वाला यहां पर पंचर साटेगा, ना कि हमने किसी मुसलमान को बोला था। अब खान सर ने एक बात की कि मुस्लिमों को नहीं बोल रहे हैं पंचर वाला, वो पाकिस्तानियों को बोल रहे हैं जिन्होंने हमारा पीओके ले लिया है, ताज होटल में बम ब्लास्ट कर दिया है, तो उनको वो पंचर वाला बोल रहे हैं। तो अब लोग है वो ऐसा क्यों समझ रहे हैं, वो इंडियन को बोल रहे हैं पंचर वाला। तो दोस्तों ये खान सर की समझाने की कुछ गलती हो सकती है, बार बार वही जोक मार रहे हैं, तो लोग है वो मिसलीड हुए। खान सर कहना कुछ और चाहते थे, लोग कुछ और समझे, इसलिए ये आवाज़ इतनी हद से ज़्यादा उठ गई। और इस सवाल पर बहुत लोगों ने रिएक्ट किया, मैंने भी किया, मैंने यही कहा है, पारट कट करके वायरल हो रहा था, तो उस पर मैंने यही कहा था कि यदि ये मुस्लिम को पंचर वाला बोल रहे हैं ना, तो वही भाई बहुत गलत है। और आप ये खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान वालों को बोल रहे हैं, पाकिस्तान वालों को बोलो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात यही है कि यदि वो पंचर वाला मुस्लिम को नहीं बोल रहे हैं तो पॉइंट खत्म होता है। भाई बहुत अच्छी बात है, आप जोक मारते हो तो मारते रहिए, यदि इंडियन मुस्लिम को नहीं बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब खान सर ने एक बात बार बार बोली थी, पार्ट कट कट के वायरल किया जा रहा है और उस पर लोग रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब छोटा छोटा पार्ट में रिएक्ट कर रहे हैं। तो अब बात है, उन्होंने बोला था कि 18 बच्चे पैदा होते हैं मुस्लिम के, ऐसा वैसा, तो उन पर उन्होंने रिप्लाई तो दे दी, हमने यहाँ की पार्टी जो थी तहरीके लबैक वो सब जो थे सब उनको बोला था कि भैया 18-19 तो पैदा हो गए तो क्या होगा। आपने कहाँ सुन लिया कि हमने मुसलमानों को बोला, हमने पाकिस्तानियों को बोला, हम वो जो पार्टी वाले उपद्रव फैला रहे थे उनको बोला था यहाँ पर। और वहां का ये कल्चर है, इमरान खान की खुद की तीन तीन पत्नियां, हम भारत में नहीं कर रहे, हम ये थोड़ी कर रहे कि हिंदुस्तान में पढ़ाई के दौरान कभी कोई टॉपिक आएगा तो उसको बताएंगे। अब आप कहो कि ये अब ऐसा थोड़ी होगा कि हम आएंगे कहेंगे चल मुसलमान को बदनाम किए बहुत ज्यादा नहीं हुआ, आज बदनाम कर देते हैं, चलो बदनाम कर देते हैं, ऐसा होगा क्या? नहीं हो। खान सर कहना कुछ और चाहते थे और कुछ है वो समझे कुछ और है, हम लोग हैं। तो मैंने यही कहा था कि यदि खान सर ऐसा कहते हैं तो भाई इम्तियाज 1,00,000 रुपये दे रहे हैं, वो मैंने आपको बताया था। और यदि ये मुस्लिम को नहीं बोल रहे हैं तो बात पूरी तरह से खत्म होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लोग एक्सपोज कर रहे थे इसी पॉइंट को, तो वो बात खत्म। यदि आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं वी सपोर्ट खान सर, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है,
बिल्कुल आप लिखिए। हम दिखते हैं यहाँ से, हम हिंदू दिखते हैं, इसमें से हम खान सब दिखते हैं, इसमें अमित सिंह दिखते हैं। तो भैया देखिए, रक्षाबंधन के त्यौहार में लड़कियां आती हैं, राखी बनती है, सबसे ज्यादा राखी हम ही को माना जाता है। सरस्वती पूजा वगैरह में आते हैं लोग, वैसे ईद में ये मुहर्रम हम सब करते हैं। आप कौन सा देखे इस पे? अब एक आदमी हमसे पूछ रहे थे कि आप कुरान बताइए। तो भैया कुरान की शुरुआत कहाँ से होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिर्रहमान। बताइए क्या बात है कि आपको कोई प्रूफ देता है आके कुरान पढ़े? अब क्या अलिफ लाम मीम पढ़े? नहीं भैया, हमको 300 पारा नहीं याद है, हमको बुक खूब से खूब 30-40 सूरह याद है। हाफिज जी थोड़ी है जो हमको पूरा याद रह गया, आपको भी नहीं याद हो गया। अब मेरे कुछ मुस्लिम दोस्त कहते हैं कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह तो सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ के जाया कीजिए, तो इसमें दिन अच्छा रहता है, मतलब कोई गलत चीजें नहीं आती। जो हमारे हिंदू दोस्त है वो कहते हैं महामृत्युंजय जाप कीजिए, वो कहते हैं कि इससे अच्छा दिन हो जाता, हम वो भी पढ़ देते। कोई कहेगा गायत्री मंत्र पढ़ने के, वो भी पढ़ देते। हमको क्या मतलब, हम हिंदुस्तानी है, हमें हिंदुस्तानी रहने दीजिए। अब वो कह रहे हैं कि हम इंडियन कहलाना चाहते हैं और वो सभी त्यौहार को मनाते हैं। मुझे यह जान के हद से ज़्यादा खुशी हुई दोस्तों कि वो एक इंडियन अपने आप को कहलाना चाहते हैं, वो एक भारतीय हैं और वो सभी त्यौहार को मानते हैं। मैंने कल के वीडियो में पूरी तरह से बोला है कि यदि कोई रक्षाबंधन वाली सरस्वती माता की वो पूजा कर रहे हैं, उन फोटो को उठा के कोई एक्सपोज कर रहा है खान सर को, तो वो हद से ज़्यादा गलत है। उन पर लीगल कार्यवाही भी की जा सकती है, क्योंकि त्यौहार त्यौहार होता है, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे हिंदू का हो, या फिर कोई अन्य रिलीजन का हो। तो यदि वो खान सर दोनों त्यौहारों को मानते हैं तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, उनसे हमें सीखना चाहिए कि भाई त्यौहार बराबर होते हैं। लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनको मैं बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करता हूँ, यानी उनकी उन फोटो को उठा के एक्सपोज कर रहे हैं ना कि भाई ये देखो, लेकिन लोग हैं उन फोटो को उठा के ये बोल रहे हैं कि ये देखो ये हिंदू है, और जब वो नमाज वाला कुछ मुस्लिम वाला देख रहे हैं तो मुस्लिम है। तो ये अभी भी कन्फ्यूजन है कि हिंदू है या फिर मुस्लिम है। बाकी हिंदू हो मुस्लिम हो उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि सभी त्यौहार मनाते हैं तो ये मेरा पॉइंट क्लियर होता है। मैंने उनकी उन फोटो को उठा के एक्सपोज किया ही नहीं है, तो इनके इस पॉइंट से मैं सहमत हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है खान सर को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है, आप क्या कह रहे हैं आप कमेंट करें बताना। भाई बोल रहा है कि इनको लगता है कि वो केवल बदनाम ही कर रहे हैं जो भी खान सर पर वीडियो बना रहे हैं, ये भाई को लगता है। ये बोल रहे हैं कमेंट में बता देना भाई, कमेंट में क्यों मैं वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ। यदि बदनाम करने के लिए कर रहे थे तो एक लोग कर सकते हैं, दो लोग कर सकते हैं, 50 लोग कर सकते हैं, लेकिन हज़ार हज़ार दो दो हज़ार वीडियो बने थे खान सर के ऊपर, और उनका रिप्लाई भी उन्होंने किया था कि तो भाई बदनाम करने के लिए कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पॉइंट मिले, इफेक्ट मिले हैं। अब यह ज़रूरी नहीं है कि भाई केवल मुस्लिम लोग हैं वो बदनाम कर रहे हैं, हम हिंदू हैं, हिंदू भी उनके वो पॉइंट थे, यदि वो सच होते हैं तो उनसे आई एम डेफिनेटली श्योर कि मैं उनसे एग्री नहीं था। कुछ लोगों का ये सोचना था कि हम खुला समर्थन कर दे इसराइल का, कुछ लोग ये सोच रहे थे खुला समर्थन कर दे फिलिस्तीन का, ऐसा हुआ ही नहीं। बल्कि हमने क्या किया, जो एक बैलेंस तरीका था, जो भारत सरकार का अप्रोच था उसने बताया, जिसमें हमने सबके वीडियो क्लिप भी दिखाई कि भारत सरकार का क्या कहना है, हमारे राजदूत का क्या कहना है, अटल बिहारी वाजपेयी का क्या कहना, सब यही हुआ। तो कुछ लोगों को लग गया कि हम फिलिस्तीन का साथ दिया, और ये सब भाई साहब ई भड़क गए, इनका कहना है हमने क्यों फिलिस्तीन का साथ दिया। भाई साहब इनका कहना है कि तुमने फिलिस्तीन का साथ क्यों दिया। अब मुसलमान लोग जो ट्वीट कर रहे हैं उनका कहना है कि तुमने फिलिस्तीन का, ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीन का साथ क्यों दिया, और कह रहे हैं कि फिलिस्तीन का साथ क्यों नहीं दिए। भैया ये आपस में है, आप उसको गौर से सुनिए, हमने जो ऑथेंटिक चीज थी वही बताया। अब ये भाई बोल रहे थे और खान सर ने रॉयल सोल्जर सर को रिप्लाई किया, यानी संदीप सर को, तो उन्होंने वो वीडियो बनाया था ना, उनको क्या लगा था मैं बता देता हूं, उनको यही लगा था कि वो फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं खान सर, और एक्चुअल में वो बोल रहे हैं कि ना मैं फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहा हूँ ना इसराइल का सपोर्ट कर रहा हूँ। भाई इनके वीडियो बीच में रहते हैं, कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि ये फिलिस्तीन का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि फिलिस्तीन का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। भाई ये समझाने का तरीका ही कुछ और है खान सर का, इसीलिए लोग ऐसा समझ रहे हैं। यहाँ पर भी यही पॉइंट है कि ये लोगों को सही से समझा नहीं पाए, तभी लोग हैं वो ये समझे कि ये फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग समझे कि ये फिलिस्तीन का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दुनिया के बारे में गलत बताया। देखिए इसराइल का टॉपिक था जिसमें हम ये बता रहे थे कि जो अलक्सा मस्जिद है वो तीसरी सबसे मतलब पाक जगह है, जिसमें आपका काबा मदीना, जिसमें हम ये बताए थे कि मक्का, ताकि आम आदमी समझ सके। कुछ कह रहा है कि गलत जानकारी, भैया मक्का मदीना टॉपिक नहीं समझा रहे थे, सबको पता है बैतुल मुकद्दस क्या चीज है, आबे जमजम क्या है, तवाफ कहाँ किया जाता है, उमरा कहाँ किया जाता है, मदीना क्या है, मस्जिद अलक्सा कहाँ पर है, कहाँ पे, ये सबको पता है। जब वो टॉपिक आएगी तब बताएंगे आम आदमी को, सबसे मतलब जो हज करने नहीं जा रहा है या फिर जो मुस्लिम नहीं है उसको इतना डिटेल आगे जमजम पढ़ा के क्या होगा। आपको कोई हवन कुंड बताए यूट्यूब पर आके कि देखिए ये हवन ऐसे होता है, मृत्युंजय यज्ञ का ये फायदा होता है, अश्वमेध ऐसे होता है, आप समझेंगे? नहीं होगा। अब कह रहे गलत जानकारी, नहीं भैया वो इसराइल का टॉपिक था, इसराइल पर फोकस था। अब जैसा कि आपको पता है कि मैंने कल के वीडियो के अंदर दिखाया था कि खान सर मिसलीड करते हैं लोगों को, ना कि हिंदू मुस्लिम करके, कि वो बता रहे हैं कि मक्का मदीना यहाँ पर है, ये ऐसे हैं। और एक भाई का मैंने आपको वीडियो दिखाया था, वो बता रहे थे कि ये एक वीडियो के अंदर 10-10 गलतियाँ करते हैं, तो खान सर ने उनका रिप्लाई तो दे दिया है। मैंने वो पॉइंट उठाया था ना, तो मैं अब मान गया कि भाई वो गलत उठाया था मैंने, बाकी जो उठाए थे यदि वो सच में ऐसा होता
तो भाई वो मैंने सही भी उठाए थे, लेकिन जो कल ये पॉइंट उठाया था ना कि भाई ये 10-10 गलतियां कर देते हैं वीडियो के अंदर, वो भाई ठीक नहीं था। ये बता रहे हैं कि इनका फोकस केवल इजराइल पर था, तो बस छोड़ो ये बात हो गई कि भाई ये पॉइंट है वो मैंने गलत उठाया था। जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। यदि मैंने सही बोला तो मैं सही को सही बताऊंगा। तो ये मुझे खुद से फील हो रहा है कि भाई ये पॉइंट गलत था कि भाई वो 10-10 वीडियो में, एक वीडियो में 10-10 गलतियां करते हैं, तो ये ठीक नहीं था। अब बात करते हैं क्लिक बेट या फिर क्लिकेबल थंबनेल की। अब मैं थंबनेल कुछ ऐसा बनाता हूँ ताकि आप झपके से क्लिक करो, और सभी यूट्यूबर की यही स्ट्रेटेजी होती है। ये भाई ने भी क्या लिखा, मुसलमानों और रॉयल सोल्जर को रिप्लाई किया खान सर ने, ये उन्होंने टाइटल लिखा। तो चाहते तो ये भी लिख सकते थे कि एक्सपोज करने वालों को रिप्लाई किया, लेकिन क्लिकेबल बनाना पड़ता है ताकि लोग है वो झपके से क्लिक करें, इसलिए मैं ये क्लिकेबल बनाया हूँ। खान सर बता रहे थे ना कि भाई लोग है वो ये लिख के बदनाम करके मुझे डिफेम कर रहे हैं, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, बदनाम करने वाला कुछ नहीं है। क्लिकबेट करना पड़ता है व्यूज के लिए, आज के टाइम में जो भी आया है वो व्यूज के लिए आया है यूट्यूब पर, तो इसलिए क्लिकबेट करना पड़ता है। तो आई होप दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन का जो मैंने उठाए थे उनका आंसर मिल गया होगा। तो खान सर के लिए मैंने कुछ पॉइंट सही भी उठाए थे, लेकिन उनका रिप्लाई उन्होंने कर दिया कि भाई ऐसा उनका इंटेंशन था ही नहीं, कुछ मुस्लिमों को वो बोल ही नहीं रहे। एक्चुअल में मैं मुस्लिम नहीं हूँ, हिंदू हूँ, लेकिन जो पॉइंट गलत लगता है वो गलती होता है, चाहे वो किसी भी धर्म के लिए हो। तो खान सर ने जो रिप्लाई दिया उससे मैं खुश हूँ, यदि वो ठीक कह रहे हैं। और लास्ट के अंदर वो बता रहे हैं कि मैं यूट्यूब को छोड़ दूँ, सीता जी बता रहे ऐसे कोई यूट्यूब नहीं छोड़ता है। यदि आपने क्लियर आंसर दे दिया है तो मैं भी यही कहता हूँ कि आप यूट्यूब ना छोड़े और अच्छे से पढ़ाए भाई, और वैसे यूट्यूब कोई नहीं छोड़ेगा भाई, इतने मिलियन सब्सक्राइब करने के बाद यूट्यूब नहीं छोड़ेगा कोई। आई होप सभी क्वेश्चन का आंसर आपको मिला होगा, जो मैंने गलत बोल दिया था उसके लिए सॉरी, और जो मैं गलत समझ रहा था वो भाई खान सर का समझाने का तरीका था, तरीका ही ऐसा था, और जो क्लिप वायरल किए जा रहे थे काट काट के उन्हीं पर मैंने वीडियो बनाया था। आई होप आपको क्वेश्चन का जवाब मिला होगा। मैं मिलता हूँ आपसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।